रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग फिनॉल का, ठीक है। तो पहला काम हमारा क्या होगा फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए, कि ये जो हाइड्रोजन है इसको पहले तो आप रिलीज़ करिए, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक करिए और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा हमारा, रिलीज़ हो जाएगा H प्लस के फॉर्म में। ओके, क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और हमारा बेंजीन रिंग, ठीक है, बना लिया वैसे एज इट इज़। ओके, अब क्या करेंगे कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये रिंग की तरफ शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि जो रिंग होती है हमारी, बेंजीन रिंग होती है, वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इन नेचर होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है विदड्रॉ करती है, अपनी तरफ पुल करती है। ओके, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, और जब डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा तो फिर इसको ब्रेक होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड फिर साथ में ब्रेक कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन हमारा और ये डबल बॉन्ड वैसे ही रिंग, क्या हो जाएगा इधर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ओके, यानी कि ये बॉन्ड जो हमारा बॉन्ड पे ब्रेक हुआ है, एक एक बॉन्ड जो ब्रेक हुआ है उसके इलेक्ट्रॉन्स इस सेंटर पे आके यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी एज इट इज़ बना दीजिए। ओके, अब क्या होगा नेक्स्ट टाइम, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचेंगे, और ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे है ये इस तरीके से इस वाले बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, और साथ में ये वाला ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ये ओ और ये हमारा इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे हमारा जो है नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन और ये हमारा ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड देखिए बन रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा शिफ्ट हो रहा है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे हमारा ये इलेक्ट्रॉन जो है पेयर आके कलेक्ट हो गया है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक, इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा यहाँ पे, और ये वाला जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और डबल बॉन्ड बनाएगा। क्या मिल जाएगा हमको, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और ये चीज़ हमारी रिंग जो है एज इट इज़ हम इसको बना देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि क्या हो गया, हमारा वही वाला स्ट्रक्चर फिर से मिल गया। कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर आपको फिर से मिल जाए तो वहीं पे आप स्ट्रक्चर बनाना स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द फिनॉल। उसके बाद में हम देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड मेटा नाइट्रोफिनॉल। तो ये स्ट्रक्चर हमारा हो जाता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का। तो पहला काम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिलीज करिए, है ना, बॉन्ड ब्रेक करिए और हाइड्रोजन को यहाँ पे करिए रिलीज, है ना, H प्लस के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन पे नेगेटिव और बाकी इसको जो है एज इट इज़ यहाँ पे बना देंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। बाकी ये ग्रुप आप जो है ऐसे ही बनाइए, क्लियर। अब क्या करना है, सेम काम जो भी पीछे किया था फिनॉल के केस में। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन करिए यहाँ पे शिफ्ट, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, और इसको बॉन्ड ब्रेक करिए यहाँ पे शिफ्ट कराइए। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड और फिर हमारा ये रिंग ऐसे, है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ओके, नाइट्रोजन ये चीज़, ठीक। अब अगला काम एज इट इज़ जिससे पीछे हुआ था, इसको यहाँ पे शिफ्ट कराइए, इसको कराइए यहाँ पे शिफ्ट, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और हमारा ये चीज़ यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है ना, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, फिर यहाँ पे ऐसे, और ये हमारा नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ये यहाँ पे ऐसे, और ये इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड बन रहा है, ये पहले से था, और ये हमारा जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होके यहाँ पे पहुँच रहा है, इस वाले सेंटर पे यहाँ पे पहुँच रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन और ये हमारा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और ओ, ठीक। अब क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जो इस सेंटर पे है वो पहुँचेगा इस बॉन्ड पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे पहुँच जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो क्या हो गया, ये लीजिए, ठीक है, ये ओके, और ये हमारा जो है बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो गया है, नाइट्रोजन
यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे हमारा ये चीज, ठीक है। अब क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे फिर से शिफ्ट होगा और ये वाला वापस आएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में इस तरीके से, और फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये चीज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर दोनों सेम है, तो जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग काउंट करेंगे तो फिर इन दोनों को दो नहीं काउंट करेंगे, एक ही काउंट करेंगे, यानी कि टोटल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उनमें से एक हम लोग कम कर देंगे, ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसको अगर मैं बाहर बनाऊँ ताकि इसको शिफ्ट करने में थोड़ी सी आसानी रहे, है ना, इसको शिफ्ट करिए यहाँ पर और इसको शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। क्या मिल गया फाइनली हमें यहाँ पर नेगेटिव और ये इस तरीके से हमारे क्या बन गए बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, नाइट्रोजन ये चीज है ना, ये लीजिए, ओके। तो ये हमारा किसका हो जाता है, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल का, पैरा नाइट्रो फिनॉल का सेम ही है, कुछ अलग नहीं, बस खाली आप उसको पैरा पे लगा दीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मेटा नाइट्रो फिनॉल है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये हमारा जो है मेटा नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर हो जाता है। पहला काम जो उधर किया था है ना, हाइड्रोजन को रिलीज करिए, ठीक है, एच प्लस के फॉर्म में, तो हमारा यहाँ पे मिल जाएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इसको एज इट इज बना दीजिए, ठीक है। और ये बॉन्ड एक और है इसे, क्लियर। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शिफ्ट, ये बॉन्ड ब्रेक, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड हमारा पहले से था, ये भी पहले से था, N और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ओके। अब क्या करेंगे, इसको करिए इधर शिफ्ट और इसको जो है यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, क्या बन जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N, है ना, ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये वाला स्टेप हमारा इसके आगे का इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक जो है एज इट इज़ था, जैसे पीछे आपने पढ़ा, ये अब थोड़ा सा नया है। तो क्या करेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधे निकल गया, ये नाइट्रो ग्रुप में गया ही नहीं, किसके केस में, मेटा के केस में। ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आप फिनॉल के ऊपर जो है फिनॉल में मेटा पे नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं तो उस नाइट्रो ग्रुप लगाने का कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ओके। तो ये बात हमको याद रखनी है कि जब भी आपको फिनॉल पर मेटा ग्रुप दिखाई देता है, मेटा पर जो है नाइट्रो हो या फिर और कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो उसका जो है फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पर सीधे जो है इस सेंटर पर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर गया ही नहीं, वो ये वैसे ही रह गए, नाइट्रोजन जो नाइट्रो ग्रुप था हमारा उसके पास में इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, ठीक है, ये एज इट इज़ रह गया ये चीज़, ठीक है। और फिर क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचेगा इधर, तो फिर जो है ऑक्सीजन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, ये चीज़ ऐसे गई, फिर ये एक बॉन्ड रह गया था, इसको भी मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे हमारा नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी हमारा बॉन्ड ये बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा किसका बन गया, मेटा नाइट्रो फिनॉल का, ओके। तो ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाते हैं किसके, फिनॉल और ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल और मेटा नाइट्रो फिनॉल।